नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज कंसिडर द प्रीवियस प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आपका वी एम आर जो है वो आपका थ्री किलोमीटर है जो बंदा ट्रेवल कर रहा है थ्री किलोमीटर पर आर से रिवर आपकी हाफ किलोमीटर चौड़ी है और आपकी वी आर जो है रिवर की स्पीड वो फाइव किलोमीटर पर आर है ना इसके बाद सवाल ये द मैन हैज़ टू रीच द अदर शोर एट अ पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू स्ट्रेट पॉइंट इफ यू रीच इज समवेयर समवेयर एल्स ही हैज़ टू वॉक डाउन टू दिस पॉइंट ठीक है सवाल ए फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज़ टू वॉक हमें बताना है कि इस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट कितनी होएगी सो so, हमें जो ये आपका इंटेंडेड uh, इरादे यहाँ थे और ये यह जो यहाँ पहुंचेगा इसके बीच का जो ड्रिफ्ट है वो हमें बताना है वो ड्रिफ्ट कितनी होएगी नहीं ये uh, ये वाली ड्रिफ्ट आपको बतानी है ये ड्रिफ्ट कितनी होएगी Right. Now, इस केस में यहाँ पे ये यह पर्टिकुलर सवाल ऐसा है इसमें हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटी सी गलती करते हैं उस गलती की पहले बात कर लेते हैं Uh, जब मैं इसको हम कैलकुलेट करते हैं सो so इसको हम यूजुअली कहते हैं कि अगर अपना स्विमर uh, है या जो अपनी बोट है वो इस डायरेक्शन में अगर एक सर्टेन फाई एंगल पे जाए तो इस कॉस्ट फाई की वैल्यू बताते हैं और कॉस्ट फाइव की वैल्यू से आपकी uh, या फिर यहाँ से कैलकुलेट करें तो साइन फाई की वैल्यू बताते हैं वो साइन फाई की वैल्यू जब आपका ड्रिफ्ट जीरो इसको ध्यान रखना ड्रिफ्ट uh, uh, अगर आपकी ज़ीरो है वो सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है ओनली इफ uh, आपका वी आर इज़ लेस देन वी एम आर अगर वी आर आपका लेस देन वी आर है तो नदी अगर आपकी उसकी रफ्तार बंदे की रफ्तार से कम है तभी और सिर्फ तभी आपका मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल है विच इज़ आपका मिनिमम ड्रिफ्ट एज इन जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है तो इस केस में क्योंकि आपकी ये वी uh, आर जो है पाँच है और ये आपकी तीन है विच इज़ नॉट लेस देन तो यहाँ पे आपका ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल नहीं है कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि ज़ीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन से इसकी वैल्यू निकालते हैं और कहते हैं कि सर ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है आंसर इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज आपका ज़ीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है अब हमें यहाँ देखने की ज़रूरत है कि आपकी ड्रिफ्ट कितनी होगी नाउ अब यहाँ पर अगर हम ड्रिफ्ट का फॉर्मूला यूज़ करें तो ड्रिफ्ट के फॉर्मूले को हम लिखते हैं आपका जो ड्रिफ्ट आता है ड्रिफ्ट uh, एक्स उसको हम यहाँ पे लिखते हैं uh, उसको हम यहाँ कहते हैं वी आर प्लस वी एम आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वी एम आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी ये आपका ड्रिफ्ट uh, का फॉर्मूला आएगा ना इसमें अगर हम वैल्यूज रख दें सो दिस विल बी इक्वल टू वी आर जो है अपना वो दिया हुआ है फाइव प्लस थ्री कॉस्ट थीटा डिवाइडेड बाय वी एम आर जो है वो आपका थ्री है थ्री साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय वन बाय टू ये आपकी वैल्यू आ गई ड्रिफ्ट की नाउ इस केस में जो ड्रिफ्ट है उसकी मिनिमम वैल्यू के लिए हमें इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो इसको एक बार कैलकुलेट uh, कर लेते हैं सो दिस फाइव प्लस थ्री कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सिक्स साइन थीटा अब इसकी हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है तो इसके लिए हम करेंगे डिफ्रेंशिएट सो वी विल से डी एक्स बाई डी थीटा वुड बी इक्वल टू जीरो विच एम्प्लाइज इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे अगेन यहाँ पे हम फिर uh, यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन रूल का uh, क्वेश्चन रूल यूज़ uh, कर सकते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि अगर मान लो y इज इक्वल टू वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू मैं आपके लिए ये रिवाइज़ करवा रहा हूँ फॉर्मूला सो आपका वाई वन डैश जो आएगा उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू वाई टू वाई वन डैश माइनस वाई वन वाई टू डैश डिवाइडेड बाय वाई टू का स्क्वायर ये आपका आ, इसका फॉर्मूला होता है ठीक है सो अब इसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे इसका मतलब ये हो गया इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई टू यानी कि आ गया सिक्स साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाइव प्लस थ्री कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू जीरो प्लस थ्री साइन थीटा विद अ नेगेटिव साइन माइनस ये आएगा y1 यानी यानि कि 5 प्लस थ्री कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ y2 टू विच विल बी इक्वल टू सिक्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 36 साइन स्क्वायर थीटा नाउ दिस विल बी इक्वल टू जीरो इफ़ दिस इज इक्वल टू जीरो तो थर्टी सिक्स साइंस स्क्वायर थीटा को इन्फानाइट होना होएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल इसका मतलब है कि न्यूमिनिटर शुड बी इक्वल टू जीरो नाउ इस केस में अगर हम यहाँ से सिक्स कॉमन ले लें तो दिस विल बी ये बनेगा आपका माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा ये सिक्स आपका कॉमन हो गया कॉस थीटा से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा और ये सिक्स बाहर जा चुका है तो दिस विल भी इक्वल टू माइनस फाइव कॉस्ट थीटा दिस विल भी इक्वल टू जीरो नाव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस्ट स्क्वायर थीटा ये आपका वन हो जाएगा सो so, ये आपका जो बचेगा फाइनल सिक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री माइनस फाइव कॉस थीटा विल भी इक्वल टू जीरो नाव इसका मतलब ये है इसको हम ये स्पेस यूज कर लेते हैं सो so, नाओ इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉस्ट थीटा है uh, वो आ गया आपका दिस विल भी इक्वल टू माइनस थ्री बाय फाइव एम्प्लाइज आपका जो साइन थीटा है Uh, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ करके सो so आपका साइंस थीटा विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू फोर बाय फाइव ठीक है सो ये अपनी साइंस थीटा और कॉस थीटा की यहाँ पे वैल्यू आ गई उसको हम अपने ओरिजिनल ड्रिफ्ट uh, में डाल देते हैं तो अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा सो so इसको अगर हम यहाँ अपने ड्रिफ्ट में डाल दें सो so, uh, ये स्पेस यूज कर लेते हैं सो विच मीन्स आपका जो ड्रिफ्ट एक्स है दैट विल बी इक्वल टू वी यानी कि आपका फाइव प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा कॉस थीटा आ रहा है आपका थ्री बाय फाइव मल्टीप्लाइड बाय माइनस थ्री बाय फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा यानी कि आपका फोर बाय फाइव तो एक्स की जो वैल्यू आ गई दिस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर सो आपकी जो एक्स की फाइनल वैल्यू हो जाएगी सो दैट विल भी इक्वल टू नाइन में से गया सिक्सटीन डिवाइडिड डिवाइडेड बाय 24 8 डिवाइड करेंगे सो दैट विल बी इक्वल आर टू बाय थ्री मीटर सो दैट विल बी आर फाइनल आंसर 2 बाय थ्री किलोमीटर सो दिस इज आर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम